नमस्कार दोस्तों, मैं रुद्र और फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का स्टॉक एनालाइजर चैनल में। दोस्तों, हम आज के इस वीडियो में प्राइमा प्लास्टिक्स के फाइनल डिविडेंड के ऊपर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये कंपनी कुछ हफ्ते पहले एक 15% का डिविडेंड अनाउंस किया था अपने शेयर होल्डर्स के लिए, यानी कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को पर शेयर 1.50 रुपये दे रही है एज फाइनल डिविडेंड। तो चलिए इसके ऊपर डिटेल में डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले पिछले कुछ दिनों में कंपनी क्या रिटर्न दिया है, क्या परफॉर्मेंस किया है, वो मैं आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ। दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये कंपनी पिछले एक हफ्ते में 3% से भी ज़्यादा का नेगेटिव रिटर्न दिया है, एक महीने में 30% से भी ज़्यादा का नेगेटिव रिटर्न है, 3 महीने में 1% के आसपास नेगेटिव रिटर्न है, 6 महीने में 29% के आसपास पॉजिटिव रिटर्न है, 1 साल में 85% यानी कि 85% का रिटर्न दिया है, 2 साल में बहुत ही बढ़िया लगभग 100% के आसपास रिटर्न है, और 3 साल में थोड़ा सा 15% का नेगेटिव रिटर्न है। तो आई होप ये डेटा आपको अच्छा लगे हो। तो चलिए बात करते हैं अब इसके डिविडेंड के ऊपर और डेट्स के ऊपर। दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये फाइनल डिविडेंड 15% का है और आपको पर शेयर 1.50 रुपये मिलेगा। दोस्तों, कंपनी ने इस डिविडेंड के लिए एक डेट रखा है 30 तारीख का और लास्ट बाय डेट रखा है 28 तारीख का, यानी कि आपको ये शेयर 28 तारीख तक खरीदना होगा, 28 तारीख से पहले या फिर 28 तारीख तक, उसके बाद मत खरीदना, डिविडेंड का पैसा नहीं मिलेगा। कंपनी ने अपने ऑफिशियल लेटर में साफ साफ कह दिया है और कंपनी ने रिकॉर्ड डेट के बारे में कुछ भी ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया है, मतलब साफ है कंपनी आपके ऊपर छोड़ रही है। दोस्तों, मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा, कम से कम 5-6 दिन होल्ड करके जाइए, 30 तारीख से 5-6 दिन आराम से होल्ड करके जाइए, आपको डिविडेंड का पूरा पैसा मिल जाएगा और हो सकता है आपको थोड़ा बहुत कैपिटल गेन भी हो जाए। तो आई होप आपको ये टॉपिक पूरा समझ में आ गया है। तो इसी के साथ ख़त्म करते हैं हमारा आज का वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।